नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। और जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ पहुंची है। पूरे दिन आज आप एबीपी गंगा पर देखने जा रहे हैं सबसे तेज नतीजे विधानसभा चुनाव के। जी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 403 और 70 सीटें यानी कुल 473 सीटों के नतीजे, और इसके अलावा जो दूसरे राज्यों में चुनाव हुए हैं उन सब के सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे और सबसे धारदार विश्लेषण आज आप देख पाएंगे एबीपी गंगा पर। प्राची बिल्कुल नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। तो हम ऐसे ही नहीं कहते कि चुनाव मतलब एबीपी गंगा। हमने सबसे सटीक, सबसे तेज और सबसे विश्वसनीय तरीके से हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। आप जैसे ही नतीजे आएंगे सबसे पहले हम आपको हर सीट हर बूथ की खबर भी दिखाएंगे। बिल्कुल प्राची, और क्योंकि चुनाव का मतलब है एबीपी गंगा, आज उत्तर प्रदेश में किसका विजय तिलक होगा इस फैसले की घड़ी है। और चुनाव 10 फरवरी को पहले चरण के साथ शुरू हुआ, आज ठीक एक महीने के बाद नतीजे आने वाले हैं और ये साफ होगा कि जनता का जनादेश किसे मिला है। बिल्कुल, तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी ये महा कवरेज। आज रिजल्ट डे के दिन विजय तिलक। तो देखिए हमारी महा कवरेज आज आप दिन भर देखने वाले हैं, जिसमें पल पल की अपडेट, हर सीट की जानकारी आपको मिलेगी। आपकी विधानसभा में क्या रहे नतीजे, कौन चल रहा है आगे, कौन चल रहा है पीछे, आज हम बताने जा रहे हैं जया। बिल्कुल प्राची, और यूपी उत्तराखंड चुनाव की मतगणना की महा कवरेज एबीपी गंगा कर रहा है। एक एक तस्वीर एक एक सीट की आपके सामने रखेंगे। सबसे बड़ा जनादेश योगी या अखिलेश, उस पर होगी आज दिन भर नजर। बिल्कुल, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई अपने आखिरी मुकाम पर आ गई है। 403 विधानसभाओं की जिस जंग की शुरुआत एक महीने पहले हुई थी, अब उसके नतीजे की बारी है। जनता ने किसे जिताया, किसे हराया, अब उसका फैसला होना है। साथ ही फैसला होना है कि यूपी में किस राजनीतिक दल की धमक रही और कौन बेअसर हो गया, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़ों से आगे असल नतीजों की लड़ाई है। जो इसे जीतेगा वो बन जाएगा यूपी का सम्राट। फैसले की घड़ी आई, कौन करेगा लखनऊ पर चढ़ाई। 403 सीटों की जंग यूपी में लहराएगा किसका रंग। 10 फरवरी को जो लड़ाई शुरू हुई थी वो 7 चरणों के मतदान के बाद अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गई है। जिस लखनऊ को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी थी, उस पर कौन राज करेगा इसकी तस्वीर साफ होने का वक्त आ चुका है। क्योंकि यूपी के नतीजों में अब कुछ देर का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक दलों ने अपने अपनी जीत का दावा ठोकना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी का आंकड़ा 300 के पार जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दहाई में सिमटने जा रही है, यानी 100 भी सौ का अंक भी नहीं छूने पाएगी। नहीं, बहुत अच्छा है जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा पिछली बार से ज़्यादा सीटें आएंगी, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरोजनी नगर में भी हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। राजेश्वर सिंह बनके संगठन बहुत मजबूत है। यूपी के नतीजों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में भाजपा का पलड़ा भारी तो नजर आ रहा है, लेकिन ये भारीपन नतीजों में भी होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एग्जिट पोल को खारिज करते हुए समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाने का दावा किया है। वही सबकी निगाहें उन वीआईपी सीट पर टिकी हैं, जहां बड़े बड़े महारथी मैदान में हैं, जिनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और शिवपाल सिंह यादव जैसे बड़े नाम हैं, तो कई बाहुबली भी हैं। लेकिन जनता की कसौटी पर कौन पास होगा और कितने नंबर से होगा, अब उसका फैसला आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बिल्कुल, आज फैसला हो जाएगा, और जो फैसला होगा दोस्तों बताएं आपको कि आप देख कैसे पाएंगे। सबसे पहले तो आपको मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो फैसला आने वाला है
जो रुझान से शुरू होगा और बाद में नतीजों पे कन्वर्ट होगा, परिवर्तित होगा, वो आप देखेंगे कैसे हमारी स्क्रीन पर। वो बहुत साफ कर दे, देखिए आप मेरे ऊपर ये जो कॉलम आप देख रहे हैं इसमें आप उत्तर प्रदेश के नतीजे देख पाएंगे। मेरे ऊपर के कॉलम में लगातार उत्तर प्रदेश के रुझान और नतीजे आप देख पाएंगे। और ठीक छोटी आप एक पतली सी आप लाइन देख रहे हैं, पतला सा कॉलम देख रहे हैं, लाल कॉलम जो है उसमें आप जिलेवार नतीजे भी देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं और उसमें क्या नतीजे आ रहे हैं विधानसभा वार, वो आप देख पाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि मेरे बाईं ओर भी आप देख सकते हैं जो जिलेवार नतीजे हैं शहरों में, जिलों में जो सीटें हैं वो आप उनमें जो मतगणना होगी उसके रुझान, उसके नतीजे लगातार आप देख पाएंगे। दाहिनी ओर आप देखिए, चूंकि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं इसलिए आप लगातार वो भी आप देख पाएंगे। और नीचे जो मेरे कॉलम आप देख रहे हैं इसमें उत्तराखंड के नतीजे और रुझान आप लगातार देख पाएंगे। और जो जिले हैं उत्तराखंड के वो भी विधानसभा वार नतीजे रुझान आपके सामने होंगे। प्राची के पास चलेंगे। बिल्कुल, देखिए आपने हमारी पूरी स्क्रीन समझ ली। हमारी कोशिश ये है कि एक एक खबर, एक एक जानकारी आपको स्पष्ट हो जाए, हर एक अपडेट आप तक पहुंच जाए। और इस बीच यूपी उत्तराखंड चुनाव की मतगणना की महाखबरें शुरू हो चुकी है। वोटों की गिनती शुरू होने के महज 2 घंटे अब बाकी रह चुके हैं और इसीलिए काउंटडाउन शुरू हुआ है। एक एक जानकारी, एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा हम आपको लखनऊ लिए चलेंगे जहां हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के साथ उस वक्त मंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद है। चूंकि आज रिजल्ट का दिन है इसलिए जो प्रत्याशी हैं उन्होंने पूजा पाठ शुरू कर दी है। वीरेश, मेरे सहयोगी, हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त मौजूद है मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ। वीरेश, क्या माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? पूजा पाठ में लीन नजर आ रहे हैं हमें मंत्री जी? देखिए, ब्रजेश पाठक जो कानून मंत्री हैं योगी सरकार के और कैंट से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो अपने जो मतगणना पे एजेंट हैं उनको रवाना कर रहे हैं अपने आवास से, उनको दुपट्टा लगा पहना रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका पूजा पाठ के जरिए शुभ अवसर पर रवानगी कर रहे हैं। और आप देखिए, सबका सम्मान करने के साथ ये सारे वो लोग हैं जो उनकी कोर टीम में शामिल रहे हैं और उन्हीं लोगों को मतगणना स्थल पर लगाया जाता है। अपनी पत्नी सहित और पूरे परिवार सहित वो सभी को चंदन लगा रहे हैं, रोरी लगा रहे हैं, सबकी आरती उतार रहे हैं, सबको ये जो दुपट्टा लाया गया है सम्मान के तहत वो दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी, ये क्या है पाठक जी? ये मतगणना का एजेंट का कार्ड है और ये अपने हम सभी जो हमारे मतगणना प्रतिनिधि एजेंट है उनको रवाना कर रहे हैं। हर्षित जी सारे प्रतिनिधि, सारे एजेंटों को रवाना कर रहे हैं। ये लोग ऐसे होते हैं जिन पर विश्वास अपना जो प्रत्याशी होता है वो सबसे ज़्यादा करता है और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है। आपने देखा होगा कि ईवीएम की सुरक्षा में लगातार 2 दिन से लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कैंडिडेट के समर्थक और उनके लोग, तो ऐसे में ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं इसका अंदाज़ा आपको लग सकता है। सभी को तिलक लगाया जा रहा है, सभी का सम्मान किया जा रहा है, सभी को दुपट्टा पहनाया जा रहा है, सभी की आरती उतारी जा रही है क्योंकि इनके कंधे पर सकुशल तरीके से मतगणना पूरी हो सके और ढंग से हो सके और रिजल्ट प्रत्याशी के पक्ष में आ सके, इसका बहुत महत्व होता है। ये नम्रता जी हैं और अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में नम्रता भाभी के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं और इस पूरे चुनाव में महिला शक्ति और मातृ शक्ति को एकजुट करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और इनका मायके भी इसी कैंट विधानसभा में, इसलिए ये ज़्यादा प्रभावी रहे भी। आप ही पूरी तरीके से सवेरे पूजा पाठ करके ये दुपट्टा, ये कौन है? ये सब लोग अपने लोग हैं जो जा रहे हैं आपकी आज काउंटिंग करने के लिए और इस समय आप समझ लीजिए सभी लोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये लोग,
जिनके लिए हम लोगों को पूरा समय देना है, क्योंकि इन्होंने 24 घंटे हमको पूरा समय दिया है। 24 घंटे? हाँ, 24 घंटे समय दिया है लोगों ने पूरे चुनाव भर। ये सबसे जैसा मैं कह रहा था कि ये सबसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं, सबसे नजदीकी लोग होते हैं जो प्रत्याशी होता है उसका, और वही बात सच साबित हुआ। नम्रता जी कह रही हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, सबसे प्रभावशाली लोग हैं, सबसे दिल के नजदीक लोग हैं, और इसी वजह से इनका सम्मान किया जा रहा है, इन्हें रवाना किया जा रहा है कि मतगणना स्थल पर जो 8 बजे मतगणना शुरू होगी वहां जाएं और बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दे सकें, क्योंकि आज तो फैसले की घड़ी है। जी हाँ जी, बिल्कुल, आज बहुत बहुत बधाई देने का समय है, और हम आप सबको बधाई देना चाहते हैं कि बड़ी जीत के साथ पुनः हमारी सरकार बने, इसके लिए हृदय से सभी को बहुत बहुत बधाई। अभिनेता हो गई है, हालांकि चुनाव लड़ चुकी है एक बार ये, इसलिए अभी नम्रता जी ने बहुत ही शानदार तरीके से बताया कि हार्दिक बधाई और प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, चुनाव लड़ चुकी हैं, चुनाव का अनुभव है उन्हें। पाठक जी, ये जो सम्मान है, ये जो लोग हैं, ये कितने महत्वपूर्ण हैं आप? ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी व्यवस्था इनके हाथ में, ये आज काउंटिंग कराएंगे, मतदान कराएंगे, और अंतिम समय जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा वहीं तक उपस्थित रह करके हमारे साथ रहेंगे। ईवीएम की जो सुरक्षा आपके पास, देखिए लखनऊ की तस्वीरें हमने दिखाई, ब्रजेश पाठक जो कि पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे थे, सीधे प्रयागराज लिए चलते हैं, और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन मौजूद है। मोहम्मद मोइन, बात कीजिए, पूछिए क्या चल रहा है आज मन में। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती होनी है, और इस वक्त हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जिन्होंने इस पूरे मंदिर में पूजा अर्चना की है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया है और दर्शन किए हैं, और ये देखिए, ये इस वक्त जो है वो पूजा अर्चना करने के बाद जीत का टीका लगवा रहे हैं पंडित जी से, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, और ये देखिए पंडित जी के पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं, और हम इनसे सीधे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, काउंटिंग में निकलने से पहले जो है आप आए हुए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, हमेशा आप सबसे पहले यहाँ पर आते हैं? हाँ, बिल्कुल, अच्छा भैया, आस्था है भगवान, भगवान के आशीर्वाद और कृपा से। क्या कामना की है आप आपने भोलेनाथ? जीत की कामना की है, और आज के दिन जो हमने पूरे 5 साल मेहनत की है उसके रिजल्ट का दिन है, तो एकदम नेचुरल सी बात है कि आज वही कामना करेंगे, भगवान विजय दिलाए। अपनी जीत की कामना की या पार्टी की? अपनी जीत, पार्टी की जीत के बिना संभव नहीं है। मेरी जीत होगी, पार्टी की जीत होगी, पार्टी जीत होगी, हमारी जीत होगी, और निश्चित रूप से 5 साल में अगर हम 8 साल की बात करें, जब 2014 में इस देश की बागडोर परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाला, तो लगातार उनके काम करने का नतीजा रहा कि 2017 में प्रचंड बहुमत आया, 2019 में प्रचंड बहुमत आया, और 2022 में भी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लाए, राम जी नहीं है, बिल्कुल जापर कृपा राम की हुई तापर कृपा करे सबको। क्या होगा आज नतीजे, किस किस तरह से? जबरदस्त नतीजा होगा, और 300 के पार जो हमारा नारा था, तो ये केवल नारा नहीं था, काम के बल पर जन विश्वास जीतने का काम किया है, इसलिए जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अंतिम। बिल्कुल, देखिए लगातार अब तमाम जो प्रत्याशी हैं वो मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आज उनका रिजल्ट आने वाला है। सीधा आपको कानपुर लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी रतीश त्रिवेदी वहां पर मौजूद है, काउंटिंग सेंटर का वो कहा, क्या वहां का हाल है ये हमें बताएंगे। रतीश, दिखाइए जरा। बिल्कुल, देखिए आज सबसे बड़ी परीक्षा की सबसे बड़ी घड़ी है, और काउंटिंग सेंटर में मौजूद हूँ, सबसे बड़ा सेंटर, क्योंकि आज यहीं से 10 विधानसभा क्षेत्र जो कानपुर के हैं उनमें 93 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम्स में लॉक है। ये परीक्षा, ये सुरक्षा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये सीमा रेखा है, लक्ष्मण रेखा है, इससे आगे जाने की इजाजत नहीं है, और जो लोग जा रहे हैं वो राजनीतिक दलों के एजेंट हैं और सुरक्षाकर्मी, आईटीबीपी के जवान मुस्तैद हैं, पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट जा रहे हैं। स्ट्रांग रूम है और ईवीएम्स रखी हुई हैं, सभी प्रत्याशियों की किस्मत लॉक है, और आज अब से कुछ देर बाद ये पता लगने लगेगा कौन आगे कौन पीछे, और फाइनल रिजल्ट यहीं से निकल के आएगा। बड़ा दिन है, बड़ी परीक्षा की बड़ी घड़ी, और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, 8 बजे से
काउंटिंग शुरू होगी 8:30 बजे तक, यानी आधे घंटे तक पोस्टल बैलेट, उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम्स की गिनती शुरू हो जाएगी। कोई भी कोताही बरतने की कोशिश नहीं की गई है, सभी सुरक्षा के इंतजाम और सभी राजनीतिक दलों के शक शुभों को दूर करने की कोशिश की गई है। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम दिख रहे हैं काउंटिंग सेंटर से। आज हम अपने दर्शकों को हर एक पल का अपडेट देंगे, कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में सतीश महाना की सीट सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है महाराजपुर, और राज्य मंत्री नीलिमा कटियार कल्याणपुर विधानसभा सीट से अपनी किस्मत एक बार फिर से आजमा रही हैं। दो हाई प्रोफाइल सीटें कानपुर में हैं। पिछली बार अगर बात की जाए तो 10 में से 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार क्या परफॉर्मेंस रहेगा, एग्जिट पोल के नतीजों को देखें तो परफॉर्मेंस रिपीट करने जा रहा है, लेकिन इस बार क्या नतीजे निकल गए आपसे कुछ देर बाद हम अपने दर्शकों को बताना शुरू कर देंगे। पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, यह हमारी लक्ष्मण रेखा से आगे हमें जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से अवैध किले में बदला गया है, वाहनों के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद कर दी गई है। हम देख सकते हैं कितनी जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है, हम देख सकते हैं क्या माहौल है, तैयारी है, सब देख सकते हैं, लेकिन वातावरण दिल्ली के भाजपा मुख्यालय पर क्या है ये आपको दिखाना बहुत जरूरी है सुबह सुबह, और इसके लिए हम चलेंगे अविनाश तिवारी के पास। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर से इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं अविनाश। इस वक्त सुबह सुबह सूर्योदय से ठीक पहले कहा जाएगा इसे वक्त, क्या माहौल है, क्या वातावरण है वहां पर? देखिए अगर बात करें तमाम सारे नेताओं का अभी आना बाकी है, लेकिन उसके पहले मीडिया लॉबी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे मीडिया लॉबी बनाई गई है और उसके साथ साथ जश्न की तैयारियों के लिए अंदर कार्यालय में तमाम सारे टेंट लगाए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे आ सकते हैं अगर परिणाम अनुकूल रहे। चूँकि अभी कार्यालय अंदर खुला नहीं है, सिर्फ मीडिया गैलरी खुली है, तो यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो मीडियाकर्मी है उनके लिए स्पेस दिया गया है, और अभी जो प्रवक्ता हैं पार्टी के वो भी 7 बजे से यहाँ पे आना शुरू करेंगे और पार्टी कार्यालय भी 7 बजे से खुल जाएगा और तमाम सारे जो लोग हैं नेता हैं उनके आने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पे पहुंचेंगे अगर परिणाम अनुकूल रहा, और तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे जश्न मनाएंगे। बीजेपी ने बम्पर जश्न की तैयारी दिल्ली के अंदर कर रखी है। पार्टी कार्यालय के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे टेंट से लेकर के हलवाई से लेकर के तमाम सारे इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं और सभी तरीके से जश्न में जो भी चीजें यहाँ पे शरीक होती है उन तमाम सारी चीजों का इंतजाम किया गया है, फूल से लेकर सभी चीजों का यहाँ पे इंतजाम किया गया है। कार्यालय 7 बजे खुलेगा, तमाम सारे पार्टी के जो प्रवक्ता है वो भी यहाँ पे आएंगे, लेकिन उसके पहले पूरी तैयारियां बीजेपी ने कर ली है। जिस तरीके से एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए अविनाश तैयारियां हैं क्योंकि सभी को अपनी जीत की उम्मीद है और इसीलिए जो हलचल है वो आज नजर आ रही है। हम सीधा देहरादून का रुख कर लेंगे, मेरे सहयोगी विनोद वहां से हमारे साथ मौजूद है बीजेपी ऑफिस से। बताइए किस तरीके का माहौल है विनोद वहां पर देहरादून में, क्योंकि अब मतगणना शुरू होने में महज कुछ ही घंटे बाकी। बिल्कुल प्राची, देखिए आज भी उत्तराखंड की सियासत से जुड़ा हुआ आज का सबसे बड़ा दिन है और आज 632 ऐसे जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला आज ही के दिन होना है। और भाजपा प्रदेश मुख्यालय की अगर बात करें तो अभी सुबह सुबह का वक्त है, हालांकि कई पार्टियों के जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनका पहुंचने का सिलसिला थोड़ी देर बाद शुरू होगा। और प्रदेश कार्यालय में, इसी कार्यालय में मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ तो भाजपा की ओर से एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, पूरे प्रदेश भर यानी पूरे जनपदों का यहाँ पर खाका तैयार होगा और जितने भी जो काउंटिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं इसी प्रदेश मुख्यालय से यहाँ पर अपडेट किया जाएगा और तमाम पार्टी के पदाधिकारियों की अलग अलग जनपदों में ड्यूटी लगाई गई है। और उसके अलावा जितनी निगरानी काउंटिंग को लेकर होगी उसके बाद में जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनको अवगत कराया जाएगा। और इससे ठीक पहले अगर बात कर लिया जाए तो राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय देहरादून में डेरा डाले हुए हैं, या फिर प्रहलाद जोशी जो उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी हैं वो देहरादून में है। उससे ठीक पहले, शाम से ठीक पहले ऐसा माना जा रहा है कि किस दल में कितना दम है वो पता चल जाएगा, किसके साथ में जनादेश जाता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, पहले बैलेट की गिनती शुरू होगी, उसके बाद में जो मतगणना की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, उसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन अभी सन्नाटा जरूर है क्योंकि अभी सुबह का वक्त है प्राची, और उसके बाद में आखिरकार किस तरीके की स्थिति रहती है उससे जरूर अपडेट हम कराएंगे। लेकिन ठीक ये मान के चलिए कि 8 बजे से वो मतगणना प्रारंभ जैसे ही होगी
तो तमाम जितने पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पार्टी के प्रत्याशी है, करीब उत्तराखंड के 632 ऐसे प्रत्याशी है जिनके भाग्य का फैसला आज होना है। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा आज का दिन है, क्योंकि आज ये पता चलेगा चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल देखिए विनोद, तैयारियां जो है वो चाहे उत्तराखंड हो चाहे यूपी हो, हर जगह की जा रही है और तमाम जो राजनीतिक दलों के दफ्तर है वहां पर भी हमें भीड़ नजर आ रही है। और जया, इस बीच बड़ी खबर भी एक सामने आ रही है, बड़ी खबर कुशीनगर से है। फाजिल नगर के बूथ के मतों की गिनती पर रोक लग गई है, बड़ी खबर उस वक्त की जया। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर बता दे अपने दर्शकों को प्राची, फाजिल नगर से ये बड़ी खबर सामने आई है। बिल्कुल देखिए, बड़ी खबर है कुशीनगर के फाजिल नगर से, जहां मतों की गिनती पर रोक लग गई है। ये फाजिल नगर वो बूथ है, ये फाजिल नगर वो विधानसभा सीट है जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में अगर इस बूथ पर मतगणना पर रोक लगेगी तो फिर कई सवाल खड़े होंगे। हालांकि हार जीत का अंतर कम होने पर ही आप बता दें कि राजा स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं, और यहीं से एक बूथ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जया। बिल्कुल प्राची, फाजिल नगर के एक बूथ के मतों की गिनती पर रोक, और यूपी चुनाव आयोग ने बूथ नंबर 105 पर गिनती पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर निकलकर इस वक्त सामने आ रही है, मतदान कर्मियों ने लापरवाही की है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर क्या है बहुत जल्दी से अपने दर्शकों को बताते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, मथुरा में जिला प्रशासन का बड़ा फैसला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मथुरा में जिला प्रशासन का बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है प्राची। बिल्कुल देखिए, बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, प्रशासन ने विजय जुलूस पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मतगणना से पहले ही जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की मथुरा से बता रहे हैं, जिला प्रशासन का बड़ा फैसला जया। बिल्कुल, और मथुरा में जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला किया, प्रशासन ने विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी है। ये बड़ी खबर निकल के इस वक्त सामने आ रही है, मतगणना से पहले जिले में धारा 144 लागू है, एहतियातन तौर पर यह कदम उठाया गया प्राची। बिल्कुल देखिए, जैसे ही नतीजे सामने आते हैं वैसे ही विजय जुलूस निकाले जाते हैं और इसी पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर मथुरा से सामने आ रही है। और इस बीच जय, एक और बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, मतगणना की जो तैयारी है वो पूरी हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त बता दें, कानपुर से मतगणना की तैयारी जो है वो पूरी हो गई है जय। बिल्कुल, और खुफिया विभाग हाई अलर्ट पर है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो प्राची, इसके लिए पूरी व्यवस्था है। और देखिए, मतगणना से पहले पूरी तैयारी हो चुकी है, जो खबर निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल देखिए, मतगणना से पहले खुफिया विभाग भी हाई अलर्ट पर है, कानपुर में मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, लगभग 1.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है जब मतगणना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे करके जो रुझान है वो भी हमें मिलने लगेंगे। लेकिन उससे पहले किस तरीके की तैयारी है, उससे पहले किस तरीके से हलचल है, वो लगातार एबीपी गंगा अपने दर्शकों को बता रहा है। तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है जया। बिल्कुल प्राची, तो आपसे थोड़ी देर बाद रुझान भी सामने आने लगेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं, खुफिया विभाग हाई अलर्ट पर है। बिल्कुल देखिए, हम कानपुर ले चलते हैं सीधा आपको, जहां पर मेरे सहयोगी रतीश इस वक्त कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। रतीश, दिखाइए जरा क्या तस्वीरें हैं आपके पास। क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा की सबसे बड़ी घड़ी है, और इस घड़ी में कोई चूक नहीं होने देना चाहते कोई भी अधिकारी, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे पुलिस के अधिकारी हो। लगातार यहां पर जो लोग आ रहे हैं उनके पासेस को चेक किया जा रहा है। 10 विधानसभा क्षेत्र कानपुर महानगर में है, और 10 में सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट महाराजपुर की है, क्योंकि सतीश माना कैबिनेट मंत्री वहां से आते हैं। और इसके अलावा कल्याणपुर में राज्य मंत्री नीलिमा कटियार की साख दांव पर लगी हुई है। पूरी तरह सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के अभेद किले में बदला गया है, और आज बहुत बड़ी घड़ी है, परीक्षा की घड़ी है, और रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में कौन पास होता है, कौन अव्वल आता है, कौन फेल होता है, हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन स्ट्रांग रूम और ईवीएम्स यही है, उस दूरी पर स्ट्रांग रूम और ईवीएम रखी गई हैं। 8 बजे से उनको खोला जाएगा, और उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम में गिनती शुरू हो जाएगी, मतों की गिनती शुरू की जाएगी, और उसके बाद धीरे धीरे अपडेट्स आते रहेंगे। लेकिन आज बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, रतीश ने हमें दिखाया कि कैसे तैयारी है, कैसे सुरक्षा
दिखाई दे रही है। कानपुर में चाक चौबंद है बिल्कुल सब कुछ और तैयारी पूरी है मतगणना की। और इससे पहले आपने बड़ी अपडेट्स देखी मथुरा से, कुशीनगर से, तो लगातार इस वक्त जो है बड़ी खबरों के आने का सिलसिला जारी है। फिर से आपको एक बार बता दें नतीजे आप कैसे देख पाएंगे, ये बहुत स्पष्ट कर दूं मैं मेरे ऊपर के कॉलम में उत्तर प्रदेश के नतीजे, जिलावार नतीजे, और नीचे जो मेरे कॉलम है उसमें उत्तराखंड के नतीजे आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के जिलों के नतीजे भी आप देख सकते हैं। दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जब होगा तो वो भी सबसे पहले आप एबीपी गंगा पर देख पाएंगे। और ये देखिए आप कानपुर की तस्वीरें, कानपुर की सुबह सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मतगणना के पहले की तैयारियां आप देख लीजिए, सुरक्षा देख लीजिए और कुतूहल जिज्ञासा आम लोगों में भी, कानपुर वासियों में भी, कानपुर के नेताओं में भी, प्रत्याशियों में भी, ये सब कुछ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए लगातार हर एक तस्वीर, हर एक बड़ी खबर एबीपी गंगा सबसे पहले सबसे सटीक अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहा है। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए आज 13 जिलों में मतगणना होनी है। और इस बीच देखिए बड़ी खबर भी आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर आज नतीजे आएंगे और पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी। जया बिल्कुल प्राची, तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दी कि अब से थोड़ी देर बाद मतगणना शुरू होने वाला है। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर नतीजे आएंगे और सबसे पहले पोस्टल बैलेट से काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू की जाएगी। और विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी, क्या माहौल इस वक्त, क्या हलचल? बिल्कुल जया, देखिए अभी अगर बात करें तो आज 70 विधानसभा सीटों का आज नतीजे आने हैं, लेकिन उससे ठीक पहले अगर बात करें तो मैं भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर हूं और इसी मुख्यालय में भाजपा की अगर बात करें तो कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से पार्टी के पदाधिकारियों की ड्यूटी लगी है और तमाम पार्टी के शीर्ष नेताओं को इसी पार्टी मुख्यालय से अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, मदन कौशिक हो, गणेश गोदियाल हो, प्रीतम सिंह हो, ये तमाम ऐसे पार्टी के दिग्गज नेता है जिनके भाग्य का फैसला आज के दिन ही होगा, क्योंकि आज सबसे बड़ा दिन उत्तराखंड की सियासत से जुड़ा हुआ है। और देखने वाली बात होगी 8 बजे से जैसे ही मतगणना की प्रारंभ होगी सामने आ जाएगा कि आखिर कौन होगा उत्तराखंड का अगला किंग। अब सीधा हम आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी शक्ति वहां पर मौजूद है। शक्ति तस्वीरें दिखाइए, दिखाइए क्या हलचल है मतगणना से पहले, बात कीजिए लोगों से, उनसे जानिए कि आखिर आज के दिन को वो किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए इस समय मतगणना स्थल पर मौजूद है, अगर हमारे पीछे की आप तस्वीर देखेंगे ये सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी ईवीएम मशीन खोलेंगे और ईवीएम की गिनती करेंगे वो सरकारी कर्मचारी हैं, आप देख सकते हैं ठीक तस्वीरों में। तो गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में 5 विधानसभा हैं और 5 विधानसभा का आज नतीजा निकलेगा और किसके सर पर बंधेगा सेहरा ये आज तय हो जाएगा। आज एक बड़ा दिन है, आज प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और प्रदेश की जनता आज ये तय करेगी, यानी तय तो कर चुकी है, यानी कि नतीजे जो निकलेंगे तो आज वो नतीजे तय करेंगे कि उस कुर्सी पर कौन बैठेगा और किसका होगा विजय तिलक। गाजियाबाद की तस्वीर है, आप देख ही सकते हैं कि पीछे ये मुख्य द्वार है जहां से मतगणना स्थल, जो मंडी का जो मुख्य द्वार है जहां से एंट्री है, प्रॉपर तरीके से सबकी चेकिंग हो रही है और प्रॉपर तरीके से चेकिंग होने के बाद ही ये सरकारी कर्मचारी हैं जो इस समय आप अंदर आते हुए देख रहे हैं, इन सभी की भी चेकिंग हो रही है और चेकिंग होने के बाद यहाँ पर अंदर किसी को भी मोबाइल ले जाने की भी अनुमति नहीं है। मोबाइल अगर किसी के पास है तो यहाँ पर ही गेट पर ही उसको यहाँ पर रखना होगा, छोड़ना होगा और उसके बाद ही ये लोग अंदर जाएंगे और अंदर जाकर जो काउंटिंग है उस जो भी इनके जो सीट बनी है, जो जहाँ जो बूथ वाइज है वहाँ पर लोग बैठेंगे और अपनी गिनती की शुरुआत करेंगे। जो फोर्सेज है वो यहाँ पर तैनात हो गई है क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और सुबह के इस समय 6:30 बजे हैं और यहाँ पर 8 बजे से पोस्टल बैलेट की जो गिनती है उसकी शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद ईवीएम खुलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो सबसे पहले एक प्रत्याशी भी यहाँ पर अब से 1 घंटे पहले वो एंटर भी कर चुके हैं और वो है साहिबाबाद विधानसभा से जो प्रत्याशी है गठबंधन। ठीक है शक्ति, आपने बता दिया कि क्या मतगणना की तैयारी है गाजियाबाद में, तस्वीरें आपको हम दिखाते रहेंगे और आज जो होने वाला है वो तो थोड़ी देर में सामने आना शुरू हो जाएगा, लेकिन 2017 में जो हुआ था, कैसे प्रदेश में भगवा लहर चली थी, वो अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। 2017 के नतीजे देखिए आप,
भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 325 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई 47 सीटों के साथ। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटें मिली मात्र। कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर सिमट गई और अन्य के खाते में आई 5 सीटें। ये पिछली बार यानी 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के नतीजे इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं। आज के नतीजे सुबह 8 बजे से रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। ये क्या ये तस्वीर बदलेगी? बदलेगी तो कितनी बदलेगी, किसके पक्ष में बदलेगी, किसके खिलाफ जाएगी, ये सब कुछ आज सामने आने वाला है। बिल्कुल, देखिए लगातार हम तमाम तस्वीरें आपको बता रहे हैं, पिछले नतीजे क्या रहे और इस बार रंग कैसे बदलेगा ये भी हम आपको बताएंगे। और सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी शैलेश अरोड़ा वहां पर मौजूद है। शैलेश, राजधानी लखनऊ में क्या तैयारी मतगणना की, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं, सीधे दिखाइए। लेकिन कुछ लोग अंदर पहले से मौजूद हैं। और अगर आज की बात करते हैं तो देखिए, वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भी और उनके जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी से आते हैं, उस पार्टी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। कहीं ना कहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो जो 2017 में जिस तरह से बहुमत से आए थे, भारी बहुमत से आए थे, सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि तमाम तरह के देखिए एग्जिट पोल जरूर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी सभी को इंतज़ार है आज के नतीजों का। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो कहीं ना कहीं उसका भविष्य निर्भर करेगा आज के नतीजों पर, ये ज़रूर माना जा रहा है कि पार्टी बढ़ेगी। लेकिन जो लगातार दावा करी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे हम लोग, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कहीं ना कहीं। और अगर बात करें यहाँ पर देखिए तैयारियों की इनके पार्टी के स्तर की, तो समाजवादी पार्टी कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ से आप जहाँ से इस वक्त लाइव दे रहे हैं, हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, सपा दफ्तर पर आप खड़े हुए हैं, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए कि वहाँ कौन आया है, कितनी हलचल है वहाँ पर। देखिए अभी क्योंकि बिल्कुल सुबह का वक्त है, ऐसे में जो लोग कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं खाली वो लोग अंदर हैं और हलचल अभी क्योंकि बहुत कम है, लेकिन अब से कुछ ही देर में यहाँ पर और लोगों का पहुँचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं पार्टी के जिनको जो मतगणना स्थल है वहाँ पर भेजा गया। इसके अलावा तमाम बड़े नेता हैं जिनको 75 जिले में कमान दी गई है, प्रदेश स्तर से सभी 75 जिलों में अलग अलग जगह पर पार्टी के नेताओं को भेजा गया, क्योंकि मतगणना को लेकर ईवीएम को लेकर जिस तरह का हंगामा पिछले कुछ दिनों से मचा हुआ है सबने देखा, चाहे वाराणसी हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे बरेली हो, हर जगह पर तस्वीरें सबने देखी हैं, तो कहीं ना कहीं इसे लेकर नेताओं को भेजा। और वो नेता जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे इसी प्रदेश कार्यालय से, जो मॉनिटरिंग रूम यहाँ पर बना है, पल पल की यहाँ पर अपडेट देंगे, 8 बजे जैसी काउंटिंग शुरू होगी हर चीज़ की। और उन नेताओं के साथ में अगर बात करें तो दो दो अधिवक्ता भी भेजे गए हैं, यानी अगर कोई कानूनी अड़चन दिखती है उन्हें कि नहीं कानूनी तौर पर इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। जितने भी नेता गए हैं उनको जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है उनके बारे में भी पूरी जो एक नियम बिल्कुल निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा, खासकर आज मतगणना के दिन और जब इतने आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है उसके बीच में। अब आपको बता दें हम लगातार जाएंगे अपने सहयोगियों के पास, आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन स्क्रीन पर आपकी क्या है, कैसे नतीजों को आप समझेंगे देखेंगे, ये आपको एक बार फिर से बता देना बहुत आवश्यक है। ऊपर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के नतीजे, उत्तर प्रदेश के जब नतीजे आएंगे, जब रुझान आएंगे तो आप उत्तर प्रदेश को देख पाएंगे, नीचे आप मेरे उत्तराखंड के नतीजे जो है उनके रुझान नतीजे सब कुछ देख पाएंगे, जिलेवार क्षेत्रवार नतीजे मेरे दाहिनी और बाईं ओर आप देख सकते हैं। 5 राज्यों में चूंकि चुनाव हुए हैं तो बाकी के 3 राज्यों में क्या स्थिति रहेगी वो सब भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। बिल्कुल, देखिए हमारी पूरी स्क्रीन आपको समझाने के लिए काफी है कि आज मतगणना पर हमारी कैसी तैयारी आप तक जानकारी पहुंचाने की। सीधा आपको लिए चलते हैं हम लखनऊ, अनुभव शुक्ला मौजूद हैं भाजपा दफ्तर से, दिखाइए जरा किस तरीके से वहां पर हलचल है लखनऊ में, भाजपा दफ्तर के बाहर कितने लोग आए, किस तरीके का माहौल है अनुभव। देखिए बिल्कुल बीजेपी कार्यालय में हम मौजूद हैं और फिलहाल अभी यहाँ पर कोई भी ऐसा नेता नहीं पहुंचा है, हालांकि लोगों के पहुंचने का सिलसिला 8 बजे के बाद शुरू होगा। पर हाँ, महामंत्री संगठन सुनील बंसल कल शाम को ही आ गए थे, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह वो भी कल रात को आ गए थे, इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं सह प्रभारी अनुराग ठाकुर वो भी पहुंच जाएंगे, कहा जा रहा है कि 11:30 बजे तक। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह 10:30 बजे के बाद यहाँ पहुँचेंगे, मुख्यमंत्री भी आएंगे, हालांकि वो किस वक्त आएंगे अभी ये तय नहीं है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पहुँचेंगे 10:30 बजे के बाद, और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा वो तकरीबन 9:30 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। तो बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो सभी लोग यहाँ पहुँचेंगे, और जब
नतीजे जैसे जैसे आएंगे उसी हिसाब से लोगों के पहुंचने का यहां कार्यक्रम रखा गया। लेकिन हम आपको अगर दिखाएं तो देखिए मीडिया का पूरा जमावड़ा यहां बीजेपी कार्यालय पर लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल ने दिखाया कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का जो अनुमान लगाया है, उसके बाद से बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो तो उत्साहित हैं ही, और बार बार कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल में अनुमान लगाया जा रहा है उससे भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। देखिए चार चौबंद तैयारी है, आगे भी आपसे तस्वीरों को समझेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल बड़ी खबर हरदोई से है, सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है, और आपको बता दें कि हरदोई में मतगणना केंद्र के बाहर चाक चौबंद व्यवस्था है। प्राची इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बिल्कुल देखिए इस वक्त की ये बड़ी खबर है, और बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं कि अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती कर दी गई है मतगणना केंद्र के बाहर। पोलिंग एजेंट की भी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि मतगणना अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। जया बिल्कुल, और हरदोई में मतगणना केंद्र के बाहर चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है, अब से थोड़ी देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां भी लगा दी गई हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पोलिंग एजेंट की भीड़ लगी हुई है मतगणना केंद्रों के बाहर। प्राची बिल्कुल देखिए, क्योंकि अब से कुछ ही देर में मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी, तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा जब शुरू होगी मतगणना। और आइए आपको सीधा हम हरदोई की तस्वीरें दिखा देते हैं। हरदोई में मौजूद हमारे सहयोगी ने जब जायजा लिया वहां का, तो क्या तस्वीरें सामने आई देखिए। हम खड़े हैं हरदोई के नवीन मंडी स्थल पर, और यहां पर आज 8 विधानसभाओं का फैसला होना है, यही मतगणना होनी है, यही मतगणना स्थल है। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्स सुरक्षा में तैनात है, और पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात हैं। जो मतगणना अधिकर्ता हैं उनका भी आना शुरू हो गया है बड़े बड़ी संख्या में, और बहुत सारी बड़ी सी लाइन लगी हुई है लोगों की। साथ ही साथ कुछ ही समय के बाद में चुनाव के की मतगणना शुरू हो जाएगी, और मतगणना के बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे। रंजीत कुमार सिंह, एबीपी गंगा, हरदोई। तो हरदोई की तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन आपको बता दें कि सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है आज तमाम मतगणना केंद्रों पर, कैसे कई लेयर्स की सुरक्षा को तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। ये देखिए आप तस्वीरें हमें जहां जहां से मिल रही हैं चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की, हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी है। ये देखिए आप मुस्तैद सुरक्षा बल पुलिसकर्मी मतगणना से ठीक पहले, और तैयारी पूरी मतगणना की, सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है, कोई अनहोनी, कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी ना होने पाए। तस्वीरें हमें अलग अलग जगहों से मिल रही हैं, अलग अलग जिलों से, अलग अलग मतगणना केंद्रों से जो हमारे पास आ रही हैं, सब कुछ विदाउट डिले हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। और ऐसी ही एक तस्वीर सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद सुबह सुबह मतगणना शुरू होने से काफी पहले, ये देख लीजिए आप चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। और भी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं अलग अलग स्थानों से जहां जहां पर मतगणना होनी है, क्योंकि बहुत संवेदनशील है आज पूरा मामला, पूरा सब कुछ मतगणना का, और इसीलिए सुरक्षा को चाक चौबंद रखा गया। कई स्तर की सुरक्षा, कई स्तर की अर्धसैनिक बल और पुलिस बल सब कुछ सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। और ये देखिए आप पोलिंग एजेंट और मतगणना कर्मी, मतगणना कर्मी, पोलिंग एजेंट, गोरखपुर की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। मतगणना के ठीक पहले आप देखिए कैसे प्रवेश कर रहे हैं पोलिंग एजेंट्स और मतगणना कर्मी, जिन्हें मतगणना करनी है, और जो पोलिंग एजेंट्स हैं राजनीतिक दलों के, वो कैसे मतगणना केंद्रों के भीतर जा रहे हैं चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं सुरक्षा के, उसका पालन होते हुए आप देख सकते हैं ये प्रवेश कर रहे हैं ये लोग। इन्हें ही मतगणना करनी है, और इन्हें मतगणना होते हुए देखनी है अपने अपने राजनीतिक दलों की तरफ से। तो ये शुरू हो चुका है, ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गोरखपुर से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मतगणना केंद्र की। गोरखपुर इस बार हॉट सीट, गोरखपुर सदर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, और देखिए मतगणना के पहले की तस्वीर क्या है। प्राची बिल्कुल देखिए तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, और हर एक तस्वीर पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन इससे ठीक पहले बड़ी खबर हम बता देते हैं, आजमगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। कड़ी सुरक्षा जो है वो अब मतगणना की तैयारी जो है कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है। जया बिल्कुल प्राची, और देखिए जिले में 2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, और अब से थोड़ी देर बाद काउंटिंग शुरू होने वाली है। पोलिंग एजेंट भी पहुंचने लगे, वो तस्वीर भी हमने अपने दर्शकों को दिखा दी। आजमगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की तैयारी हो चुकी है, जिले में 2 मतगणना केंद्र भी तैयार किए गए हैं। प्राची
बिल्कुल, देखिए लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आजमगढ़ की बात कर रहे थे, वहां पर जो तमाम सुरक्षा बल हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। एक एक तस्वीर एबीपी गंगा सबसे पहले अपने दर्शकों तक लेकर आ रहा है, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। एक बार फिर से हम लखनऊ चलेंगे सीधा, जहां पर मेरे सहयोगी शैलेश अरोड़ा मौजूद हैं सपा दफ्तर के बाहर से। शैलेश दिखाइए क्या हलचल बढ़ी अब जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है मतगणना का। बिल्कुल, देखिए आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी कार्यालय का जो कार्यालय आप गेट देख सकते हैं, वहां पर गेट बंद है, वहां सन्नाटा दिख रहा है, सिर्फ मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं कार्यालय के ठीक सामने एक ये चाय की दुकान है जो खुली है और लोग सुबह सुबह यहाँ पर चाय की चुस्कियों का भी आनंद ले रहे हैं। और चर्चा यहाँ पर भी यही कि आखिर होने क्या वाला है, सरकार किसकी बनने वाली है। लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है आप भाई? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक खान है। तो इश्तियाक साहब ये बताइए भी, आप लोग हम देख रहे हैं चर्चा करें, क्या लगता है क्या होने वाला है आज 8 बजे से काउंटिंग? भाई काउंटिंग तो हो रही है, लेकिन उम्मीद तो भाई हम लोग यही लगा के रखें कि शायद से अखिलेश यादव की सरकार आएगी और जिस हिसाब से पोल आ रहा है अब उसका भी रिजल्ट सामने आपके आ ही जाएगा। तो ये बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चाय वाले भाई साहब हैं ये भी चाय का आनंद ले रहे हैं खुद भी। ये बताइए आप तो सपा दफ्तर के सामने लगाते हैं, दिन भर नेताओं का भी बड़े बड़े जमावड़ा रहता है, क्या लग रहा है माहौल? अब की बदला तो होगा, अखिलेश यादव आए बदला होगा, बदला होगा, बड़ा सन्नाटा है, नेता लोग तो आए नहीं अभी। तो नेता लोग आएंगे, वो तो वहाँ है ना, मशीनें रखा रहे हैं ना। अच्छा, आपका क्या नाम भैया? अमर मलिक। ये बताइए क्या लगता है अब की बार काउंटिंग भी होने वाली, कौन 300 पार? अखिलेश जी आ रहे हैं बिल्कुल, 300 पार जी जी बिल्कुल, अखिलेश जी आ रहे हैं 300 पार। एग्जिट पोल में तो कम दिख रहा नहीं, वो नहीं, वो सब गलत है, वो सब गलत है, बिल्कुल गलत है। आप बताए नाम? मेरा आलम नाम है। आपको क्या लग रहा है क्या होगा आज? होना क्या साहब, इसमें भैया की लहर चल रही है इसमें। नेताओं की तो धड़कने बढ़ी है, आप लोग वोटर हो, आप लोग की भी धड़कने कुछ बढ़ी है कि नहीं? थोड़ी बहुत तो हर इंसान की धड़कने रहती, क्योंकि आज का रिजल्ट का दिन होता है तो आदमी सोचता है कि चलो आज बदलाव हो रहा, परिवर्तन हो रहा है। रात में नींद आई थी भाई? फिकर रही थोड़ी बहुत तो, नींद हमेशा हलचल रहती, नींद इतनी रही। आपका नाम? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन साहब आप बताए, नींद आई थी बढ़िया रात में या सोचते? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया नींद आई। क्या लगता है कौन आएगा? परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन? बहुत सा परिवर्तन होगा, सरकार चेंज होगी। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल मायूसी। मायूसी अलग है, अभी तो वहाँ पर काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद यहाँ पर भीड़ होगी। अच्छा, आपका नाम भैया? दीपू। आप बताएं क्या लगता है, ये लोग कह रहे परिवर्तन होगा? अखिलेश भाई आएंगे, अखिलेश भाई जीतेंगे, अखिलेश भैया जी जीतेंगे पक्का, अखिलेश भाई। क्या बताइए? अच्छा, विकास के मुद्दे पे जीतेंगे असल भैया, विकास विकास के मुद्दे कहती है सबसे ज्यादा। नहीं नहीं, विकास के मुद्दे पे जीतना है अखिलेश भैया, 305 सीटें आ रही है अखिलेश भैया के, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अखिलेश भैया ने। देखिए घोटाला करने लगी है, लेकिन बीजेपी दफ्तर अब लिए चलेंगे, वहाँ पर हमारे संवाददाता अनुभव मौजूद है। अनुभव, हलचल वहां पर तेज होने लगी है, दिखाइए तस्वीरें और समझाइए। देखिए बिल्कुल, हम आपको अगर आप दिखाएं तो ये मुख्य दरवाजा है बीजेपी मुख्यालय का और अभी फिलहाल बंद है। हाँ, छोटा सा दरवाजा जो है वो जरूर खुला हुआ है, और हमने पहले भी कहा कि फिलहाल अभी तो यहाँ पर कोई भी ऐसे नेता नहीं पहुँचे, सामने ही बिल्कुल विधानसभा है और बीजेपी के लोग जब से एग्जिट पोल आए हैं वो बड़े उत्साहित हैं। आप देखिए सामने ही विधानसभा है, हम आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन हम पहले ये दिखा रहे हैं कि देखिए बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने विधानसभा है और तैयारी यही है बीजेपी की कि जब नतीजे जैसे ही आते जाएंगे यहाँ पर, ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क है, ये सारी गाड़ियाँ अड़ जाएंगी, कार्यकर्ता आएंगे और जो जश्न की तैयारी है वो यहीं पर उसके लिए की गई है। आप देखिए फिलहाल अगर हम ऊपर दिखाएँ आपको तो जो आप सामने देख रहे हैं वहीं पर महामंत्री संगठन सुनील बंसल वहीं पर रहते हैं, तो वो वहाँ मौजूद हैं, कल शाम को वो आ गए थे। सामने लेकर चलेंगे आपको, इधर देखिए पार्टी के कुछ लोग जो हैं उनको लेने के लिए ये जो गाड़ियाँ हैं ये अब जा रही हैं, क्योंकि उनको भी यहाँ पर आना है, इसलिए ये गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं। हमने पहले भी कहा कि यूपी प्रभारी राधामोहन सिंह कल रात को ही आ गए थे, सुनील बंसल कल शाम को ही आ गए थे और 10:30 बजे के आसपास प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ पहुँचेंगे। अभी आप देखिए कोई भी यहाँ पर हम कहें तो बिल्कुल कोई इस तरह की हलचल नहीं है, जो गार्ड हैं वो मौजूद हैं, तमाम और जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी थोड़ी देर बाद यानी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद यहाँ
पूरी हलचल आपको देखने बिल्कुल देखिए अनुभव आपने दिखा दिया लखनऊ की क्या हलचल है, लेकिन बनारस यानी काशी जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी वहां पर कैसी हलचल है जानने के लिए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी नीतीश का, वहां पर मौजूद है। नीतीश दिखाइए जरा तस्वीरें, क्या हलचल है मतगणना शुरू होने से ठीक पहले। निश्चित तौर पे हलचल आपको हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिए इस वक्त जो यहाँ पर कार्मिक प्रवेश द्वार है इसके सामने हम खड़े हैं और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जरा नज़दीक चला जाए और आगे की जो तस्वीरें हैं वो दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि जो कार्मिक हैं वो यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। और एक द्वार ये है और एक इसके पीछे का द्वार है जिसे पांडेपुर के तरफ से बोला जा रहा है। दूसरे द्वार से भी जो इनके एजेंट हैं वो वहाँ से प्रवेश कर रहे हैं और आप देखिए जो कुछ लोग हैं जो यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं यहाँ से, और ये आप देखें यहाँ पे हम एक तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं वो देखिए वहाँ वो मतगणना स्थल वहाँ पर। अब देखिए एक करके यहाँ पर विधानसभा वार बना हुआ है और एक एक करके इसके ये जो गेट आप देख रहे हैं इस यहाँ से और इसके पीछे यहाँ पर ये सामने आपको मतगणना स्थल दिखाई देगा। और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो व्यवस्था कैसी है? बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। आप अंदर जा रहे हैं? हाँ जी। तो मतलब ड्यूटी क्या है? ड्यूटी है मेरी मतदान गणना। मतदान गणना, तो सुरक्षा व्यवस्था के बीच और इस बार जोश के साथ? बिल्कुल। और दो दिन पहले जो चीज़ें सामने आई थी उसे लेकर क्या कहना है? अब उसके ऊपर तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। अब जो मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि क्या है जो है, अब जनता ने जो फैसला लिया होगा वो शाम तक सबके सामने क्लियर होगा। मतगणना को लेकर कर्मियों में मतगणना एकदम मतगणना तो करना है बहुत अच्छे तरीके से, जो इसका अच्छी है और साफ सुथरे ढंग से सब व्यवस्था की जाएगी जो है। देखिए ये सुरक्षा के इंतजाम भी हम दिखाना चाहेंगे। ये जो कार्मिक द्वार है, कार्मिक द्वार पर ये देखिए जो लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। और अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, विशेष जरा सा तेजी से आए पीछे। ये देखिए यहाँ पर ये जो सुरक्षा कर्मी है चप्पे चप्पे पर आपको सुरक्षा दिखाई देगी हर ओर। यहाँ पर महिला पुलिस बल और इसके साथ ही जो पुलिस कांस्टेबल हैं सभी तैनात किए गए हैं। और काशी में लेकिन गाजियाबाद में क्या इस वक्त की तस्वीर है बताने के लिए मेरे सहयोगी शक्ति मौजूद हैं। शक्ति दिखाइए तैयारियां वहां पर, क्या हलचल इस वक्त वहां पर आप देख पा रहे हैं क्योंकि बहुत कम समय काउंटिंग में बचा हुआ है। शक्ति की आपको आवाज मिल रही है? तो देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार कैसे पोलिंग एजेंट सब पहुंचने लगे हैं, काउंटिंग अब तक थोड़ी देर में शुरू होगी। शक्ति हमारे साथ वहां से जुड़ेंगे, वहां की तस्वीर आपको दिखाएंगे गाजियाबाद की। उससे पहले जहां जहां से तस्वीरें सामने आ रही है वो तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि बहुत कम समय अब काउंटिंग में है। अब से थोड़ी देर बाद रुझान शुरू हो जाएंगे पोस्टल बैलेट से, सबसे पहले काउंटिंग की शुरुआत होगी। शक्ति एक बार फिर से हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। शक्ति बहुत कम समय अब वोटों की गिनती में है, ऐसे में क्या तस्वीर इस वक्त गाजियाबाद में आप देख पा रहे हैं, क्या हलचल और सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम? देखिए बिल्कुल है, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ बेहद ही चाक चौबंद है। बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ईरज राजा हैं जो एसपी हैं, नोडल अधिकारी हैं इस चुनाव के। बात करते सर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, यहाँ कितनी फोर्सेस तैनात की गई हैं और कितनी अगर बात की जाए यहाँ पर कितनी ऐसी तमाम फोर्सेस लगाई गई हैं जो कि जगह जगह पर आपने कई अलग लगाई हों क्योंकि यहाँ पर देखा कि सपा के लोगों ने हंगामा भी किया था रात में। यहाँ पर पूरे ही मतगणना केंद्र और उसके आसपास हम लोगों ने त्रिस्तरीय सुरक्षा यहाँ पर की है, आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन, आइसोलेशन कॉर्डन। आउटर कॉर्डन में कई जगह हम लोगों ने बैरियर्स खड़े किए हैं और बैरियर्स से इस पूरे रूट पर डाइवर्जन भी किया गया है ताकि अनावश्यक कोई वाहन ना आने पाए, तो ये पूरी यहाँ की व्यवस्था है। इसके अलावा पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल अलग की गई है, मंडी समिति से लगभग 50 मीटर दूर पुलिस लाइन का ग्राउंड है, वहाँ पर पूरी सबकी पार्किंग व्यवस्था है प्रत्याशियों की, एजेंट्स की एवं उसके अलावा जो मतगणना में कर्मी लगे हैं उन सभी की पार्किंग। कोई भी गाड़ी अंदर नहीं आने दी जा रही है, सभी गाड़ियां बाहर ही हैं, तो यहां पर यह व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो अंदर हैं सभी एडिशनल एसपीज प्रभारी हैं, जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं जो आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन, आइसोलेशन कॉर्डन, उनके अंडर में क्षेत्र अधिकारी गण भी दिए गए हैं, तो अच्छी व्यवस्था है। CAPF की कंपनीज है, कुल मिला के 2000 के आसपास का पुलिस बल यहाँ पर लगा है, 2000 से अधिक,
तो सभी व्यवस्था यहाँ पर ठीक है, आप देख सकते हैं सुचारू ढंग से। एक सवाल आपसे ये है कि धारा 144 लगी हुई है, वहीं कुछ जो प्रत्याशियों ने लगातार ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मतगणना स्थल पर पहुँचे, तो धारा 144 का अनुपालन कैसे करा पाएंगे आप लोग? ऐसे ही अभी तक कोई हम लोगों ने डायवर्जन किए हैं और हम लोगों ने बैरियर लगाए हैं, उन बैरियर के आगे हम किसी को भी आने नहीं देंगे। अभी तक स्थिति ठीक है, कोई भी इस तरह का मूवमेंट नहीं हुआ है। बाकी पूरे जनपद में विभिन्न स्थानों पर हम लोगों ने चेकिंग लगाई है, सभी जगह के सेंसिटिव स्थान हम लोगों ने चिन्हित किए हैं और वहाँ पर भी पर्याप्त पुलिस बल, एक्स्ट्रा पुलिस बल इसके अलावा भी हम लोगों ने दिया है। पीएससी जनपद में कई स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर तैनात की गई है, जो भी संवेदनशील स्थान है जैसे कि लोनी, खोड़ा, साहिबाबाद, मोदीनगर, इन सब स्थानों पर हमने CAPF का भी कंपोनेंट दिया है, पीएससी भी रखी है। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल QRT के फॉर्म में एवं स्ट्राइक रिजर्व के फॉर्म में पुलिस लाइन से भी दिया गया है ताकि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। देखिए शक्ति, गाजियाबाद में सुरक्षा चाक चौबंद है, मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है, इंतजार है जब मतगणना शुरू होगी, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच बनारस में क्या है तैयारी, उनसे खास बातचीत की है DM कौशल राज से हमारे सहयोगी ने, आइए आपको सुनवा देते हैं। कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट इसके अलावा अलग से हैं, तो 24 लोग प्रति कैंडिडेट यहां पे अलाउड है, 70 कैंडिडेट वाराणसी में हैं, तो उसके अनुसार इतने लोग काउंटिंग एजेंट्स की तरफ से होंगे। जो पोलिंग, जो काउंटिंग के कर्मचारी हैं वो 928 लगाए गए हैं, वो सारे अभी एंट्री कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट पे दो दो टेबल हर विधानसभा में है। ETPBS जो सैनिक भाइयों के हमारे पास पोस्टल बैलेट आते हैं उनकी स्कैनिंग करनी होती है, उनको स्कैन रीडर होता है, उसकी एक टेबल अलग से है और 14 टेबल EVM की हैं। इस प्रकार से 17 टेबल हर विधानसभा में आयोजित की गई हैं और उसी के अनुसार काउंटिंग होगी। पहले काउंटिंग किस विधानसभा से? सारी काउंटिंग एक साथ सारी विधानसभाओं की शुरू होगी। देखिए बनारस के DM को आपने सुना, चाक चौबंद व्यवस्था है, अब से थोड़ी देर बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन मेरठ में क्या है हलचल, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी सनुज शर्मा वहां से जुड़ चुके हैं। सनुज, बहुत कम समय बचा हुआ है वोटों की गिनती शुरू होने में, क्या हलचल, क्या तस्वीर मेरठ से? हाँ देखिए, बस कुछ ही देर बची और उसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। ये तस्वीरें देख लीजिए कि सुरक्षा के किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है कि जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ये तस्वीरें हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की और यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों की मतगणना होनी है, उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सरदना, हस्तिनापुर और सिवालखास विधानसभा की जो काउंटिंग है वो होगी और इसके सिवाय शहर में एक दूसरा स्थान है लोहिया नगर, वहां पर मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण, मेरठ कैंट और किठौर विधानसभा की जो गिनती होगी वो होगी। और यहां देखिए पूरे सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा लगाया गया है और जो पोलिंग एजेंट है वो भी देखिए यहाँ आने शुरू हो गए हैं और वो जो काउंटर उनको निर्धारित किया है उस जगह जा रहे हैं। किसी भी पॉइंट पर आप देख लीजिए, आपको सुरक्षा का बड़ा और कड़ा चक्रव्यूह यहाँ पर देखने को मिलेगा, परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार पाएगा। आज जो मेरठ की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा सीटों पर जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला होना, उनकी किस्मत खुलने जा रही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जिस तरीके से तैयारियां की गई, जिस तरीके से तमाम दावे किए गए, आखिर कौन इन दावों पर खरा उतरता नजर आएगा, किस तरह की जो तैयारियां यहां की गई हैं, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है मुकम्मल की गई है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ ADM सत्यप्रकाश जी हैं। सर आपसे जानना चाहूंगा, देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था तो बड़ी कड़ी है? सुरक्षा व्यवस्था आप जान ही रहे हैं क्योंकि मतगणना में काफ़ी सेंसिटिव माहौल होता है, इस वजह से सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी स्ट्रिक्ट रखी गई है। इसमें हमारे जो मतगणना कार्मिक हैं उनकी एंट्री अलग पॉइंट से है और हमारे जो मतगणना के एजेंट्स आ रहे हैं उनकी एंट्री अलग पॉइंट से है और इसमें किसी को भी मोबाइल अलाउड नहीं है, सबकी प्रॉपर फिस्किंग हो रही है जी, प्रॉपर चेकिंग के बाद सब लोग ठीक है। सर CCTV कंट्रोल ठीक है, सरोज आपके पास वापस आते रहेंगे, आपने तस्वीरें दिखाई मेरठ की, अब वक्त है वाराणसी चलने का। नीतीश पांडे हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट हैं, मतगणना की तमाम अपडेट्स और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश, ताजा तस्वीर क्या है वाराणसी की, कैसे तैयारी हो रही है वहां पर मतगणना की? तैयारी जबरदस्त है राजेंद्र जी, और आपको बता दूं कि यहाँ पर मतगणना स्थल पर जो कार्मिक हैं, जो मतगणना के कार्मिक हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर जो जिलाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जिलाधिकारी ने हमसे बातचीत भी की थी, उन्होंने जो मतगणना की जो सावधानियाँ हैं उनको बताया था और आप देखिए यहाँ पर जिलाधिकारी मतगणना स्थल पर पहुंच रहे हैं। और 2 दिन पहले जो कहा जा रहा था कि जिस तरह की यहाँ पे विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, VVM को लेकर जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो उसके बाद अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यानी आपको जो मुख्य द्वार है वहाँ से
पूरी तरह से चेकिंग के बाद ही जो मतगणना स्थल है उसके अंदर प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन आपको मतगणना स्थल तक पहुंचने के लिए भी 3 बार वहां पर जो पास दिए गए हैं उनकी चेकिंग कराई जाएगी। ये मुख्य द्वार हम आपको बता रहे हैं, यहां से कार्मिक प्रवेश कर रहे हैं और इसके बगल में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम की भी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे राजेंद्र जी कि यहां पर देखिए, ये देखिए, ये प्रशासनिक गाड़ियाँ हैं और ये प्रशासनिक गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच गई हैं, यानी प्रशासनिक अमला जल्दी जल्दी यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर ये कंट्रोल रूम बनाया गया है और कंट्रोल रूम के भीतर की भी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि आप ज़रा सा विशेष यहाँ पर आइए। ये देखिए, ये मतगणना का कंट्रोल रूम है। आप देखें यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, यहाँ पर ये 2 कंप्यूटर लगे हैं और जो 2 CCTV लगे हैं, जितने भी इसमें जितने भी CCTV हैं, इन जो कंप्यूटर स्क्रीन है इसमें दिखाई देंगे और जो भी मतगणना के जो कर्मी हैं वहां पर जब कर रहे होंगे। तो और इतना ही नहीं, बिल्कुल देखिए बनारस में किस तरीके की तैयारी है ये हमने दिखा दिया है, नीतीश मेरे सहयोगी दिखा रहे थे। लेकिन गाजियाबाद में भी हलचल बढ़ गई है क्योंकि समय अब बहुत कम रह गया मतगणना के लिए। सीधा शक्ति के पास चलेंगे, शक्ति दिखाइए तस्वीरें। अब जब मतगणना का समय नजदीक है तो क्या हलचल है? देखिए बिल्कुल, अगर हम दिखाएं तस्वीर तो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार ये है कि जहाँ पर सरकारी जो कर्मचारी हैं वो अंदर आ रहे हैं यहाँ पर और उन सभी की भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चेकिंग हो रही है। तो मुख्य द्वार की तरफ हम इस समय चल रहे हैं जहाँ पर मुख्य द्वार पर लगातार चेकिंग के बाद ही इन सरकारी कर्मचारियों को अंदर जाने की अनुमति मिली जा रही है। बाहर की तरफ कि हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो चेकिंग है वो चेकिंग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से की जा रही है। और दूसरी तरफ अगर हम दिखाएं तो ये 2 गेट बनाए गए हैं, तो दूसरी तरफ आप गेट देख रहे हैं तो उस तरफ जो एजेंट है जो प्रत्याशियों के एजेंट हैं उनको अनुमति है, दूसरी तरफ एजेंट जा रहे हैं। तो लगातार जो मूवमेंट है यहाँ पर आने और जाने का वो यहाँ पर लगातार देखने को मिला। शेष 1 घंटा मात्र यहाँ पर बचा है और जो पर्यवेक्षक हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी गाड़ियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये गाड़ियाँ सिर्फ उन्हीं को ही यहाँ से जाने अंदर जाने की अनुमति है जो कि पर्यवेक्षक है, उनके सिवा यहाँ पर कोई भी गाड़ी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बाहर की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते हैं कि बाहर का माहौल क्या है, क्योंकि बाहर का जो माहौल है वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि चारों तरफ एक मेला नजर आ रहा है कि यहाँ पर देखें कि सुबह के वक्त यहाँ पर एक मेला लग गया हो। बिल्कुल शक्ति, बिल्कुल। तो पश्चिम की बात हो रही है तो आज क्या तस्वीरें रहेगी इस पर सबकी नजर होगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि एक एक जो भी अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त वहां पर क्या तस्वीर है बताने के लिए सनोज शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनोज, हलचल अब तेज होने लगी है, बहुत कम समय बाकी है, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए और बताइए। हाँ देखिए, बिल्कुल हलचल तेज होने लगी है और जिन कार्मिकों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है वो यहाँ पर भी पहुँचने शुरू हो गए हैं। काफ़ी लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं जबकि बाकी जो लोग हैं वो भी आने शुरू हुए हैं। अलग अलग लोगों के आने का जो स्थान है वो निर्धारित किया गया है। यहाँ बाकायदा जो बैरिकेडिंग की गई है, ये देखिए लिखा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022, और यहाँ जो बैरिकेडिंग की गई है इस जगह से सिर्फ पोलिंग एजेंट हैं, उन्हीं की एंट्री यहाँ से की गई है। ये सीधे पोलिंग एजेंट यहाँ से आएंगे और यहाँ से सीधे, चूंकि यहाँ पर 3 अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं जहाँ पर सरधना विधानसभा, सिवाल खास विधानसभा और हस्तनापुर विधानसभा, तीनों विधानसभाओं की यहाँ पर एंट्री होगी। और देखिए यहाँ एंट्री पॉइंट पर बाहर 3 लेयर यहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। बिना पास के पहले तो मेन गेट से एंट्री की जा रही है, उसके बाद दोबारा फिर पास चेक किया जा रहा है और तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये बना हुआ है, आप देखिए, और ये सामने लिखा है सिवाल खास 43। ये सिवाल खास विधानसभा है, इसके ठीक बराबर में हस्तिनापुर और उसके ठीक बराबर में जो सरधना विधानसभा है, इसी तरीके का जो सुरक्षा का कड़ा चक्रव्यूह यहाँ पर रचा गया है। जिस तरीके से आपने देखा कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से खबरें आ रही थी कि वहां पर थोड़ा EVM को लेकर राज चल रही थी, यहाँ कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन, जिला निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद लगा रहा। और अब ये देखिए कि यहाँ जो सुरक्षा का घेरा लगाया गया है ये साफ बताने और दिखाने के लिए काफी है कि यदि किसी ने भी थोड़ी सी भी हिमाकत की तो उससे पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सख्ती से निपटेगा। बाहर से बिना पास के एंट्री नहीं की जा रही है और देखिए कि यहाँ जो पोलिंग एजेंट जा रहे हैं यहाँ गेट पर उनकी जांच की जा रही है और उसके बाद उनको एंट्री की जा रही है। अलग से जो फोर्स है वो भी देखिए, तस्वीरें आप बिल्कुल देखिए, मेरठ पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है, मेरठ की तस्वीर भी लगातार हम दिखाते रहेंगे क्योंकि हमारा वादा है एक भी तस्वीर छूटेगी नहीं, एक भी अपडेट छूटेगी नहीं, एक एक तस्वीर हम दिखाते रहेंगे। और तकरीबन 1 घंटे का वक्त बच गया है, 1 घंटे बाद मतगणना हो जाएगी शुरू, यानी हर एक तस्वीर एबीपी गंगा अपने दर्शकों को दिखाएगा, एक एक अपडेट, आपकी विधानसभा की खबर हम लेकर आएंगे और आपको बताएंगे आखिर किसका होगा विजय तिलक।